अंधेरे के उस पार रोशनी नहीं, अक्सर और गहरा अंधेरा होता। यो व्हाट्सअप गाइज, आई एम फ्रेंड जय, और आज मैंने देखी हॉटस्टार पे आई हुई एक नई सीरीज जिसका नाम है द नाइट मैनेजर, जिसके अंदर मध्य भूमिका प्ले करी है हमारे आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर ने। अब ये सीरीज कैसी है, किन लोगों के लिए है और इसमें क्या कुछ देखने को आपको मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके, तो सबसे पहले भाई बात करते हैं द नाइट मैनेजर सीरीज की कहानी के बारे में। कहानी देखो, अगर ट्रेलर के हिसाब से जाए तो एक टेररिस्ट होता है जिसका रोल अनिल कपूर ने प्ले किया है। उस टेररिस्ट को पकड़वाने के लिए जो रॉ या फिर इंडियन हायर एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंट एजेंसीज, वो हेल्प लेती हैं एक जासूस का। और वो जासूस कौन बनता है? आदित्य रॉय कपूर। पर दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि आदित्य रॉय कपूर कोई सोल्जर नहीं है, कोई ट्रेंड पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक नाइट मैनेजर है। यानी कि वो बस किसी होटल के मैनेजर हैं। और वो एक होटल का मैनेजर किस तरह से स्पाई करेगा एक गैंगस्टर के ऊपर जिसका अंपायर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंटरनेशनली फैला हुआ है। यही तो देखने वाली बात है। खैर, अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में तो यार मज़ेदार है। आजकल ना फैशन चला हुआ है जैसे कि कोई भी नई सीरीज आएगी या फिर उसका नया सीजन आएगा तो उसको एक बार में नहीं दिखाएंगे, उसको या तो एपिसोड वाइज दिखाएंगे हर हफ्ते, या फिर उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे कि हमने देखा था, थोड़े टाइम पहले हुआ था मनी हाइस्ट के साथ। मनी हाइस्ट का लेटेस्ट सीजन जो है वो दो पार्ट में आया। अब उसके बाद हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ। यही वाला फैशन जो है ये सीरीज भी कैरी ऑन करती है। इसके अंदर टोटल 4 एपिसोड अभी आए हैं जो कि पार्ट 1 एक तरह से मान लो, और इसका जो पार्ट 2 है वो जून में दिखाया जाएगा। ये आपको फोर्थ एपिसोड के एंड में उसका ट्रेलर भी मिल जाएगा एक छोटा सा, कि उसमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। ये वाला बस एक एक्सपीरियंस था जो मेरा खराब था। लेकिन अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज भाई परफेक्ट है। इसके जो 4 एपिसोड है ना, उसमें सबसे दमदार एपिसोड है इसका एपिसोड नंबर 1। ऐसा एपिसोड बनाया ना, आप देखना शुरू करोगे तो आप कहीं भी ध्यान आपका भटकेगा नहीं, और पूरा एपिसोड देखने के बाद तड़प मचेगी कि भाई जल्दी से ओढ़ लेके आओ। लेकिन वो एपिसोड इतना बढ़िया है कि वो स्टेक्स आपके हाई कर देता है। और बिकॉज 1 एपिसोड जो है वो हायर स्टेक्स के साथ आप देख के ख़त्म करते हो तो सोचते हो सेकेंड, थर्ड या फर्दर एपिसोड्स में भी उतना ही मज़ा आपको मिलेगा। लेकिन नहीं मिलता। सेकेंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड थोड़े से इंफॉर्मेटिव और स्टोरी बिल्डिंग एपिसोड्स हैं, जिसमें थोड़ा सा पेस जो है वो लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंपैरिजन वाली चीज़ में नहीं घुसना है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको सेकंड और थर्ड एपिसोड भी पसंद आएंगे। फिर आता है फोर्थ एपिसोड। फोर्थ एक ऐसा एपिसोड है जिसके अंदर हम कह सकते हैं इंटरवल वाला मोमेंट आ गया था। मतलब यार ऐसा होता है ना कि मूवीज़ में इंटरवल आने से पहले एक बड़ा सा बढ़िया सा सीन दिखाया जाता है, उसके बाद हमारा मन करता है क्या दिखाओ ना दिखाओ, क्यों रोक दिया। वही वाली चीज़ सीरीज के साथ ही आपका बहुत मन करता है कि बता तो से आगे क्या हुआ, थोड़ा सा बता। लेकिन वो थोड़ा सा जून में ही पता चलेगा, अभी हमें पता चलेगा नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, 4 एपिसोड की सीरीज़ है, आप टोटल मिला के 3 घंटे में इसको ख़त्म कर सकते हो। स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है। खैर अब मैं फाइनली बात कर लेता हूँ ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है। भाई देखो, अगर आप आदित्य रॉय कपूर के फ़ैन हो ना तो सच में मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। उनकी जो लास्ट मूवी थी रक्षा कवच ओम, अगर उससे आप डिसअपॉइंट हो गए हो ना, तो ये सीरीज ऐसी है कि आपके मन में आदित्य रॉय के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। प्लस अगर आप अनिल कपूर के फ़ैन हो तो डेफिनेटली देखना, क्योंकि अनिल कपूर को यूजुअली हम कह सकते हैं बैड कैरेक्टर में नहीं देखते, और यहाँ पर हमें वो ईविल कैरेक्टर में दिखे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया, मज़ा भी आता है। उनकी प्रेजेंस जब आती है ना तो अच्छा फील होता है। अगर आप ऐसे हो जिसको क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज़्यादा, जो क्लिफ हैंगर्स पे चीज़ें नहीं छोड़ सकता, तो इस सीरीज़ को अभी के लिए मत देखना। जब जून में इसका पार्ट 2 आ जाएगा और रिमेनिंग एपिसोड्स आ जाएंगे तब सारी एक साथ बिंज वॉच कर लेना, ठीक है। तो यस, ये था मेरा फाइनल रिव्यू। सीरीज़ एक अच्छी सीरीज़ है। अगर आपके पास फिलहाल और कुछ है नहीं देखने को तो जाओ जल्दी जाके देखो, और अगर है तो उसको ख़त्म करके देखो, क्योंकि इस वाली सीरीज़ को मिस नहीं करना चाहिए आपको। इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपने रिव्यू को, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।